इंक्रोचमेंट का है, फिर से जमीन का है, नौकरी का है, महिलाओं का ज्यादा समस्या आ रहा है, महिला लोग समस्याओं को देखकर लगता है कि सरकार अपनी काम या प्रशासन अपना ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार स्थिर पड़ी हुई है, कहीं से हिलजुल नहीं हो रही है। सरकार को देखना चाहिए कि आम जनता का काम हो, उनको जिता करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जनता, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा। ये काम नीतीश कुमार जी को, प्रशासन के लोग, कोई लोग को देखना चाहिए किस तरीके से हो रहा अत्याचार जनता के ऊपर। आखिर उनका समस्या का निदान नहीं होगा तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा गया है। कोई भी किसी को भी गोली मार सकता है, हमको भी डर लगता है सड़क पर निकलने का। ऐसा इशू क्या कर रहे, हमको भी खतरा लगता है, डर लगता है इनके शासन में, सुशासन में। किस चीज का डर लगता है? कोई किसी को मार दे, कोई किसी को मार देगा। लेकिन आपके साथ तो चाहते हैं, आपके साथ बॉडीगार्ड है तो क्यों डर? तो बॉडीगार्ड है तो बॉडीगार्ड कितना क्या कर लेंगे? आतंकी सब इतना आतंक मचा रहा है, यहाँ जनता दरबार में भी बम फेंकवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। चाहते हैं सुरक्षा बढ़ाई जाए, तब क्या सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? हम नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं, हमारी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, आम जनता तो आम जनता है। कितना रोज दिन मर्डर हो रहा है, में जाते हैं रात में रोड पर चलते हैं तो कितना डर लगता है? डर किसको नहीं लगता है, आप भी अकेले जाइएगा तो आपको डर लगेगा, सबको डर लगता है। मतलब इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, ग्राफ देख लीजिए आप कितना बढ़ गया क्राइम का, चारों तरफ यही हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पूरा अपराधियों का तांडव हो रहा है, और सरकार सोई हुई है, अंतरात्मा नहीं जागती है इनकी। अब तो जगाइए, कब जगाइएगा? अभी जगा के भी क्या कर लेंगे, इनका सरकार जाने वाला है। अररिया में एक पशु तस्कर को मतलब मॉब लिंचिंग के नाम पे फिर हत्या हो गई है, क्या कहेंगे अररिया में?